जय साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद रगेश में, जहाँ पे आज हम लोग गणित की सीरीज में चाल, समय और दूरी की एक और अगली सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। मतलब यू कह सकते हैं कि आज भाग दो सीरीज है। इसके पहले हम लोगों ने भाग एक के रूप में पढ़ लिया है। अगर आपको गणित से डर लगता है या गणित सीखने में समस्या आती है और आपको ये लगता है कि गणित में आप बेहतर और बड़ा स्कोर नहीं कर पाएंगे, इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर आप जरूर बने रहिएगा। चलते हैं हम एक करके सवालों की तरफ और आप लोग ध्यान से सारे प्रश्नों को पढ़िएगा और इस सभी के उत्तर दीजिएगा। इसके पहले तक हम लोगों ने इस टॉपिक के 5 प्रश्नों को हल कर लिया था। अब आपके सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 6 है। तो चलिए आज के इस टॉपिक से जुड़े इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं और आपको भी इससे जुड़े हुए सवाल भी देते हैं, ताकि आप सभी लोग इसका जवाब आसानी से दे सके। आपके सामने सवाल है, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10^5 किमी की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये निकालना है आपको। यहाँ पर पहली लाइन को अगर लेकर चले तो पहला सवाल यहीं तक खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति 3 घंटे में 10^5 किमी की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। पहली लाइन हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सबसे पहले हमें चाल नहीं पता है, तो पहले सवाल में हमें ज्ञात करना होगा चाल। तो हम ये जानते हैं कि चाल बराबर, यहाँ पे हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होगा। चाल अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, दूरी का बटा समय कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, चाल बराबर यहाँ पे क्या होता है, हम आप और आप जानते हैं कि दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हमने यहाँ पे देखा चाल माने स्पीड, आपको पता नहीं है। डिस्टेंस 10^5 है, 10^5 माने 5×50 से 51/5 की। तो हम आप लिखेंगे कि 51/5 और पूरे का बटा, अगर हम पूरे की बटा की बात करें, पूरे का बटा क्या होगा, समय है 3 घंटा। और यहां पे क्या निकालना, स्पीड निकालना है। तो ये हमारी पहली जो लाइन है वो क्लियर हो जाएगी। अब देखिए ये बटे में है तो यहां पे आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 51/3×5। अब इसी प्रश्न को हल करना है और आपको बताना है कि जो उसकी दूरी है वो क्या होगी, चाल उसकी क्या होगी। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। अब यहां पर ये आपका क्या निकल गया, अब ये आपका चाल हो गया। ये चाल क्या हो गया, ये आपका चाल जो है वो किमी प्रति हावर्स में, किमी प्रति घंटे में, ठीक। अब अगर यहां पर पूछ रहा है कि दूरी, तो हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुड़े समय। अब यहाँ पे चाल आपको पता हो गया 51/3×5 चाल हो गया। समय कितना है, तो ये दूसरा समय आपको देखेंगे यहाँ पे 5 घंटा है, तो गुड़े में यहाँ कर देंगे 5। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को और आप जैसे प्रश्न को समझेंगे आपको सारी चीजें, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम इसे छोटा करते हैं, काट के ये 5 से 5 डिवाइड हो गया, 3 से काटेंगे तो 17, यहाँ पे क्या बचेगा, 17 किलोमीटर। माने यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब होगा कि 5 घंटे में 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब इस प्रश्न को इतना बड़ा हमने लगाया है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो एक ही लाइन में लगा लेंगे। देखिए यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10^5 किमी दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, इसको हम एक लाइन में अगर इस सवाल को लगाना चाहें तो एकदम आसान तरीका से। सबसे पहले हमें चाल निकालना है, चाल निकालने के लिए क्या होगा, 10×50 माने ये 51/5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक ही लाइन में लगा रहा हूँ, 51/5 ये चाल हो गया। नया समय क्या है, 5×5 कर देंगे, ठीक है, यहाँ 3/5 होगा ना, हाँ 3/3 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर यही प्रश्न आप हल कर देंगे, एक लाइन में आपको उत्तर निकल जाएगा। ध्यान से समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट का उत्तर आपको आसानी से ज्ञात हो जाएगा। आपने देखा ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 17, माने अगर आप चाहेंगे तो एक लाइन में इस प्रश्न का जवाब ला देंगे। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका डी अर्थात 17 किलोमीटर। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, उस सवाल को ध्यान से लिखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके देंगे। देखिए लिखिएगा सौरभ
सात घंटे में, लिख लिया, 77 किमी की दूरी तय करता है। सौरभ 7 घंटे में 77 किमी की दूरी तय करता है। तो बताएं कि वह 20 घंटे में, बताएं कि वह 20 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूं, सौरभ 7 घंटे में 77 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए कि सौरभ 20 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देंगे। चाहे वीडियो को आप जैसे भी देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ये निःशुल्क क्लास है आप सभी के लिए, देश हित में, राष्ट्र हित में। हम चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर है, कह रहा है किसी बाइक की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, अब हम किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी इसका जवाब जरूर दें। किमी प्रति घंटा से हमें मीटर प्रति सेकंड में जाना है। हम बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं, जब छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 5/18 का, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है 80 है तो गुणे हम क्या करेंगे, 5/18 कर देंगे। बस यही सवाल का जो उत्तर होगा वह इस प्रश्न का जवाब। बताइए आप लोग, यहाँ पर अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, और यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो 9, तो 4 × 5 = 20 माने 200/9। इसको सही बटा में अगर चेंज करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, यहाँ बचेगा 2/9, यहाँ पर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मतलब इसी हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका बी। एकदम यूनिक है, एकदम सरल है, ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछ ले जाते हैं और हम लोग प्राय इसका जवाब नहीं दे पाते। और अब इसी के साथ हम एक और सवाल आपसे पूछते हैं, उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। अब आपको बताना है कि 99 किमी प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। बताइए सब लोग, जितने भी लोग हैं बताइए क्या होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। देखिए हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ चलते हैं, जब छोटे यूनिट की तरफ आएंगे छोटा ऊपर हो जाएगा, माने इसको हल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। 99 × 5/18 करिएगा और आप सभी को इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं इस प्रश्न का भी जवाब देते रहिएगा। हम हमेशा प्रयास करेंगे हम आपको प्रश्न से जोड़कर प्रश्न बताएं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम प्रश्न जोड़कर आपको प्रश्न बताएं। क्लियर हो गया सबका कॉन्सेप्ट, उत्तर बताइए, हम उत्तर जानते हैं। अरे लगे ऐसे ही लगेगा भैया, ये 99 है ना, 99 × 5/18 से गुणा कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही इस प्रश्न का जवाब है। बस हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है एक व्यक्ति 18 किमी प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किमी पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, तो 90 किमी की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। एक व्यक्ति 18 किमी प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, मान उसकी चाल जो है 18 किमी प्रति घंटा है। अगर हम चाल की बात करें, अगर हम यहाँ पे इस प्रश्न में अगर हम स्पीड की बात करें तो क्या है 18 किमी प्रति हावर, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट के लिए वो रुकता है। तो ये अभी हम लोग बाद में देखेंगे, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम ये प्रयास करते हैं कि अगर वो घोड़ा न बदलता तो उसे कितना समय लगेगा, ये हम लगा लेंगे। तो हम समय बराबर, हम यूं कह सकते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस / स्पीड, माने समय बराबर दूरी / चाल।
अब यहाँ पे दूरी कितनी हो गई, अब आपको पता है 90 किलोमीटर की दूरी हो गई, चाल है 18, माने अगर हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 5 घंटे का समय लगेगा। मतलब यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर वो घोड़ा नहीं बदलता है, अगर वो घोड़ा नहीं बदलेगा तो 5 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुँच जाता। लेकिन यहाँ पे शर्त है कि प्रत्येक 7 किलोमीटर पर वो घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट के लिए रुकता है। इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। इसके लिए क्या करेंगे आप सभी, ये जो 90 किलोमीटर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। यहाँ पे 90 किलोमीटर को हम 7 से भाग देंगे। 7 से भाग दीजिए कितना आएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे होगा बचेगा 2 20, तो 7 दूना 14, फिर यहाँ पे आपने देखा 6 से 5, क्योंकि आखिरी बार तो पहुँच जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने और आपने देखा कि वह 12 बार, कितनी बार घोड़ा कितनी बार बदलेगा, घोड़ा कितनी बार बदलेगा, घोड़ा बदलेगा कितनी बार बदलेगा, वो 12 बार घोड़ा बदलेगा। और जब 12 बार घोड़ा बदलेगा, हमने और आपने देखा है कि जब वो एक बार घोड़ा बदलता है तो कितने मिनट के लिए रुकता है, तो 12 बार बदल रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि 12 गुणे 7 माने 84 मिनट का समय लगेगा, जो होता है 1 घंटा 14 मिनट के बराबर, 1 घंटा 24 मिनट के बराबर, ये होता है 1 घंटा 24 मिनट के बराबर। मतलब हमने क्या किया, 5 घंटा प्लस 1 घंटा 24 मिनट को हमने ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 6 घंटा 24 मिनट। मतलब इसी हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका वो क्या होगा, डी। मतलब यहाँ पर एकदम साफ स्पष्ट आप लोग जान लीजिएगा, अब उसे कितना समय लगेगा, उसे जो यहाँ पे समय लगेगा वो लगेगा 6 घंटा 24 मिनट। अब मैं इसको रिवीजन कर रहा हूं, मैं इसे दोबारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति है, आप हैं, तो आप 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घुड़सवारी करते हैं, 90 किलोमीटर की दूरी कितना, अगर वो बिना रुके यात्रा करता उसे कुल समय जो लगता 5 घंटे का समय लगता, लेकिन वो 7 किलोमीटर पर 6 मिनट के लिए रुकता है, 6 मिनट के लिए रुकता है, तो 90 किलोमीटर में वो कितनी बार रुकेगा, 7 से भाग देंगे, जब हम 90 में 7 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, तो 12 बार बदलेगा, और एक बार 6 मिनट का समय लेता है तो 12, अच्छा यहाँ पे रुक जाइए, 12 गुणे 7, तो 12 7 84, तो 84 मिनट का उसे समय लगेगा, और तो 5 घंटा ऐसे लेता था, 84 मिनट मतलब 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट होता है, तो 6 घंटा 24 मिनट, अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा डी। ऐसे प्रश्न आपके तमाम परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आप यहाँ से गलत ना करें, यहाँ से गलती ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि गणित आपको एकदम नहीं आता और मैं गणित आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी के मन में कोई प्रश्न कोई डाउट तो नहीं है ना, अगर हो तो आप जरूर पूछिएगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि एक व्यक्ति साइकिल से 150 मिनट की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, किमी प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। इस सवाल को हम दो तरह से लगा सकते हैं, पहला हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, चाल। तो हमें जानते हैं कि चाल बराबर, बताइए क्या होगा, चाल बराबर कुल दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, तो यहाँ पर है 150 मीटर, समय कितना ले रहा है 25, काटेंगे तो हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन कह रहा है कि इसे किमी प्रति घंटा बदलिए, अब किमी प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड से अगर किमी प्रति घंटा में जाना होता है तो हम क्या करेंगे, 6 में हम गुणे करेंगे किसका, बड़े में जा रहे हैं तो ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा होगा, हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर होगा, तो इसी को हल करिएगा, क्या हो जाएगा, हम 5 18 108/5 डिवाइड करिएगा तो 5 2 10, 5 1 5 3, 5 1 30, तो मैंने उसकी चाल होगी 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इस सवाल को एक लाइन में लगा सकते हैं,
एक लाइन में कैसे लगाएंगे? अब मैं वही लगा के आपको दिखा रहा हूं कि हम इस सवाल को एक लाइन में ऐसे लगाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपकी चाल दूरी कितनी हो गई, 150 ये हो गए मीटर। अब समय कितना ले रहा है, 25 सेकेंड, मैंने मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसका उत्तर जो आएगा मीटर पर सेकेंड, इसे बदलना है किमी प्रति घंटा में, माने बड़े छोटे से बड़े में जाना है, माने ऊपर बड़ा नीचे छोटा, बस इसी को हल कर देना है। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 25 से काटिएगा 6 आएगा, तो 6 × 18 देखिए मैं इसको फिर समझा रहा हूँ, 150 / 25 हो गया और हमने 18/5 से गुणा कर दिया, तो 25 × 25 25 × 150, ऊपर 6 × 18 है, तो 6 × 18/5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 21.6 किलोमीटर प्रति हावर। तो यह इस प्रश्न का उत्तर होगा, मतलब यहाँ इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो बी। तो याद रखिए, चाहे पूरे प्रश्न को हल कर लीजिए फिर उसकी यूनिट चेंज करिए, या पहले उसकी यूनिट चेंज कर लीजिएगा उसके बाद हल करिए, दोनों तरीका आपका हल करने के लिए, ऊपर भी मैंने बता दिया नीचे भी बता दिया, यह आपका एक लाइन का है। धीरे धीरे दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा तो आपकी जो स्पीड है सवालों को हल करने की वो अपने आप क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अपने आप क्या हो जाएगी, जो सवाल लगाने की दर है आपकी वो हो जाएगी आपकी तीव्र। ठीक, तो आपको अन्य चीजें अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। हम एक अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक, अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, बताइए। यहां पे देखिएगा सवाल कह रहा है, एक मोटरसाइकिल 30 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करती है, उसकी चाल किमी प्रति घंटा में क्या होगी? तो यहां पे दो तरीके से हम पहले लगाएंगे, हमें जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो आप लोगों को पता है, ये तरीका आप सभी लगाना जानते हैं, लेकिन अब यहीं से हम लोग सीखेंगे कि आपके सामने दूरी बटे समय, दूरी क्या है आपका, तो इसकी यूनिट क्या है, 30 है, ये मीटर में है 30 मीटर, और ये कितना है 24 सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में आएगा। इसे तुरंत आप किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो क्या करना है, छोटे से बड़े में जाना है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 18/5, बस इसी को हल कर देना है, आपका उत्तर आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, ये 18/4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 16 बचेगा 2, 4 × 5 = 20, माने 4.5 किलोमीटर प्रति हावर। माने यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आपका विकल्प सी होगा। क्या है आपका उत्तर, सी होगा। इस तक को दो तीन तरीके से लगा सकते थे, या तो पहले लगा लीजिए, मतलब एक साथ हम अब यूनिट का भी गुणा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देख रहे धीरे धीरे कैसे हम यूनिट को चेंज करना आपको बता रहे हैं। सवाल में ही पहले तो मैंने दो तरह से लगाया, मैंने और सॉर्ट किया, अगले प्रश्न में और सॉर्ट करेंगे, फिर जब आप अंतिम सवाल तक पहुंचेंगे तो और अच्छे से ट्रिक को समझ लेंगे। हम और आगे चलते हैं। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको लग रहा है गणित हम आपको पढ़ा रहे हैं, पूरी कंप्लीट गणित पढ़ाएंगे, आप लोग केवल साथ दीजिएगा, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, प्रति किलोमीटर वो 5 मिनट का विश्राम करता है, प्रति किलोमीटर पर वो 5 मिनट का विश्राम कर लेता है, 5 किमी की दूरी वह कितने समय में तय करेगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। इस प्रश्न को कैसे लगेगा कि 10 किलोमीटर घंटे की दर से चल रहा है, और यदि 5 किलोमीटर मतलब प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, तो पहले मैं चाहूंगा कि जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे पहले इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। एक बात मैं और बता दूं, आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लोग सभी क्लास वीडियो लिंक उसकी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी, संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा, जैसे ही कोई क्लास शुरू होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सभी लोग अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप डेली पढ़ना चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहिएगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समय निकालते हैं, तो समय बराबर मतलब अब समय माने टी, टाइम बराबर अब क्या निकालना है, दूरी माने डिस्टेंस, डिस्टेंस बटे स्पीड, अब इसी को हल करना है। कुल दूरी कितनी है, तो 5 किमी की दूरी है, दूरी 5 किलोमीटर की होगी,
समय कितना है, चाल कितना है, 10, तो माने 1/2 घंटे का समय लगेगा। अर्थात इसको हम यूं कह सकते हैं कि 30 मिनट का समय लगेगा। कैसे, 1/2 घंटे को 60 से गुणा कर देंगे, 30 मिनट आ जाएगा, माने वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 30 मिनट का समय लगेगा। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देना है कि प्रत्येक भाग वो 5 मिनट का विश्राम करता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से लेकर वो यहां तक मैं चला रहा हूं, एक दो तीन चार और ये हो गया आपका 5, ये 5 हो गया। मतलब देखिए, पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर, 5। अब इसमें एक लॉजिक है, ये मैं किलोमीटर बता रहा हूं, ये आपका किलोमीटर हो गया। अब मैं जो लॉजिक मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहली बार 1 किलोमीटर जब चला 0 से, जैसे यहां से ये 0 होगा कहीं, ठीक है, ये 0 से जब 1 किलोमीटर पहुंचा होगा तो कितने मिनट सोया वो, 5 मिनट का विश्राम किया, फिर यहां भी 5 मिनट विश्राम, यहां भी 5 मिनट, यहां भी। लेकिन जब ये गंतव्य तक पहुंच गया, अभी क्या हो गया, लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, यहां सोएगा नहीं। हमेशा याद रखिएगा, जब वो बंदा लक्ष्य पर पहुंच जाएगा तब वो सोएगा नहीं। ये हमेशा, जब आपने पढ़ा होगा, बंदर खंबे पे चढ़ता फिसलता है, तो जब वो खंबे पे पहुंच जाता है तब वो नहीं फिसलता। इसलिए याद रखिएगा, तो कितनी बार वो, 4 टाइम, 1 2 3 4। मतलब अब देखेंगे कि उसका विश्राम का जो समय था वो 5 × 4 = 20 मिनट, क्या हो गया, 20 मिनट। माने विश्राम का समय कितना था, विश्राम कितना हो गया, 20 मिनट का हो गया। इसमें 20 मिनट ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, 50 मिनट। माने इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा कब भी। अब जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं वे एक बार कमेंट करके, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे, नहीं समझ में आया है तो यल लिखेंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि हर सवाल आपको बताते चले, हर सवाल आपको समझाते चले, और मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। सबको समझ में आ गया ना कि आखिरी बार सोएगा नहीं, तो पहुंच गया ना, अब पहुंचने बाद तो सोएगा नहीं, इसलिए केवल 4 बार सोएगा, 5 बार नहीं। अगर यहां विकल्प में 55 होता तो ज्यादातर लोग उस विकल्प का उत्तर 55 मिनट लगाते, जो कि पूरी तरह से गलत होता। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज समझ में आ गई, समझ में आ गई ना, जब वो पहुंच जाएगा तो नहीं सोएगा ना, तो 4 ही बार सोएगा, और 1 बार में 5 मिनट का समय लेता है, 4 बार में 20 मिनट का समय लेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो अगला सवाल आपके सामने, कह रहा है कि दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। अब जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए सवाल का जवाब जरूर देंगे, बताइए। चलिए यहां पर ध्यान से हम लोग देखते हैं कि दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला वाला दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे इसको, सभी लोग ध्यान से निकलेगा। अब दो आदमी एक साथ माने एक ही तरफ चल रहे हैं, इसको मान लेते हैं पहले आदमी को ए और दूसरे को मान लेते हैं बी, पहले को ए दूसरे को बी, माने पहले बी मान लेते हैं, पहले की चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर्स है और दूसरे का है 3 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहां पे हमें सापेक्ष चाल निकालना है, जब एक ही दिशा में चलेंगे तो सापेक्ष चाल क्या होगा, इसके पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में चले तो 1 घंटे के बीच में कितने का अंतर होगा, तो अंतर निकालेंगे 4 − 3 = 1 किलोमीटर प्रति आवर्स का अंतर। ठीक, अब पहला दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंचता है, कितना देर पहले, आधे घंटे पहले पहुंचता है, तो दूरी आपको ज्ञात करना है। पहला क्या होता है, आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, तो दूरी क्या होगी, सभी लोग जरा कमेंट करके बताइए। खूब ध्यान से उसको समझने का प्रयास करते हैं, अगर इसको डायग्राम बना के देखें तो आप एकदम समझ जाएंगे पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को। जैसे मैं यहां पे चलाना शुरू कर रहा हूं, एक
पहले घंटे में जैसे ए है और ये बी है, यहाँ पे चला एक घंटे में चार, एक घंटे में चला तीन, माने एक घंटे के बीच में, एक घंटा के बीच में अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में कितनी अंतर आ रही है। ध्यान जरा बताइएगा कि दोनों के बीच में कितनी दूरी का अंतर आया, ध्यान से जरा देखिए और बताइए कि एक घंटा जब दोनों ने चल लिया दोनों के बीच में क्या हो गया, एक घंटे का अंतर है। लेकिन कह रहा है कि पहला दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, तो दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होगा जरा बताइएगा, चाल गुणे समय, ठीक है, क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इस प्रश्न को हम कैसे हल करें, तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे एक बार कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करने के बाद जवाब जरूर देंगे, सभी लोग जरूर बताएंगे, सभी साथी जरूर बताएंगे, सभी लोग। सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा, अपने मन से लगाइए और फिर कोशिश करिए कि कैसे आप लोग इसको हल कर लेंगे, नहीं हल कर पाएंगे तो मेरा काम ही आपको बताना, और हल कर लेते तो और अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो फिर हम इसको समझाएंगे, दोबारा समझाएंगे, दोबारा समझाएंगे। देखिए इस प्रश्न को हल करने का जो आपका लॉजिक है, जो आपका तरीका है, वो बेहद आसान है। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं आपके साथ मिलकर। तो यहाँ पर एक ये तरीका हो गया जिसे हम लगाने में थोड़ा सा समय आपको लगेगा कि आधे घंटे का अंतराल कैसे निकलेगा, ये 4 किलोमीटर की दूरी हो गई, ये 3 किलोमीटर की दूरी होती है, फिर अगले अगर हम 3 किलोमीटर के बढ़ेंगे, अगर हम अगले 3 किलोमीटर हम यहाँ पर बढ़ेंगे तो इसको कितना समय लगेगा, इसको पूरा 1 घंटे का समय लगेगा, मैंने 1 और 1 से 2 घंटे का समय लग गया। लेकिन अब इसे अगला 2 घंटा पूरा करने में कितना समय लगेगा, 2 घंटा मतलब 1/2 आवर्त का समय लगेगा। तो हमने ये देखा कि ए को पूरा समय कितना लगेगा, 1 सही 1/2, और इसको 2 घंटे का समय लगेगा, दूरी कितनी हो गई, 6 किमी 6 किमी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो दूरी होगी वो 6 किमी होगी। लेकिन अगर इस प्रश्न को हमें हल करना हो, लगाना हो, तब इस तरह के सवाल को हमें कैसे हल करना है, आइए ध्यान से लगाते हैं और उसको हल करके इसके बारे में समझने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा इसको कैसे लगाना है। यहाँ पर हमें आपको जैसे कि पहले का किलोमीटर 4 है तो हमें जानते हैं निकालना क्या है, समय बराबर माना दूरी x की भी, माना दूरी क्या है, माना जो दूरी है x की भी है, तो यहाँ पे पहली दूरी हो जाएगी x बटे 4 कर देंगे, माने दूरी बटे 4 समय निकल गया, में से घटा देंगे दूसरे को x बटे 3, कितना समय ले रहा, 1/2, इसी को हल करना है, इसको हल कर देंगे x की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी आइए ध्यानते हैं। इसका एलसीएम 12 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3x अंतर, ये 4x बराबर 1/2। तो हमने देखा इसमें से ये हो जाएगा आपका x बटे 12 बराबर 1/2, त्रिया का गुणा होगा, जब त्रिया का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 12, तो x बराबर 6, तो x का मान क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर हमने देखा कि जो x की वैल्यू निकलेगी वो 6 किलोमीटर होगी, क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर होगी। तो दोनों तरीका याद रखिएगा, जिस तरीका से भी आप सवाल लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना, दोनों का ही अंतर निकाल देना, समय आपको दिया ही है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल आपके सामने आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक कार एस बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलती है, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और 20 किलोमीटर की गति से चलती हुई यह पूरी यात्रा करती है। इस तरह के सवाल को आप कैसे लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिए गए सवाल का आप जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी साथी यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जरा आप लोग हल करके बताइए। चलिए आइए सवाल को हम लोग हल करते हैं आपके साथ मिलकर। तो यहाँ पर हमने और आपने देखा कि सवाल को कैसे हल करना है या कैसे इसको लगाना है। कह रहा है कि एक कार ए से बी तक की दूरी 1/5 भाग 8 किलोमीटर, माना अगर दूरी की बात करें, अगर माना दूरी, माना जो दूरी है वो कुल है 10x किलोमीटर मान लेते हैं, कितनी दूरी है 10x किलोमीटर है, तो 1/5 भाग, अगर हम 1/5 भाग का निकालें समय, तो 1/5 भाग
गुड़े 10x करेंगे, 5 दूना 10, 2x हो गया। और फिर ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, और 1/10 भाग, 1/10 भाग का निकालेंगे, अगर 1/10 का गुणा हम 10x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की में निकल जाएगा। इतना आप लोगों ने हल कर लिया, इतना आप लोगों ने जान लिया। अब कह रहा है कि शेष, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शेष शेष का मतलब क्या है, टोटल 10x था, इसमें से हम 2 1 3x निकाल लेते हैं, 2x + x निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा आपका 7x। तो हम ये तीन दूरियां क्रमवार रूप से निकल गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे निकालना है समय। समय बराबर हमें और आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस बटे स्पीड हमें आपको ज्ञात करना है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए कैसे निकालेंगे। तो पहली जो गति है वो 2x है, 2x बटे कितना समय ले रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस। दूसरी जो गति है वो कितना है, वो यहां पे देखिए x होगा। x कैसे होगा, 1/10 में 10x से गुणा करेंगे तो x बटे चाल क्या है, 25, 25 कर दीजिएगा। फिर प्लस शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति चलती कितनी, 7x, 7x/20। इसी को आपको हल करना है और आपको ये देखना है कि कुल कितना समय लगता है। तो ध्यान से इसको लगाइए, आप लोग देखते हैं कितना इसका आंसर आता है। तो आपने यहाँ पे देखा, इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पे 200 होगा। जब 200 होगा तो ये होगा 25 8 200, तो हो जाएगा 25 दुना 50x, 50x हो जाएगा, प्लस 25 8 माने 8x हो जाएगा, 20 से देंगे 10 बार माने 70x हो जाएगा। अगर हम इसको पूरा जोड़ेंगे, टोटल टोटल टाइम अगर आप निकालेंगे तो 50 8 50 और 7, 120, और 120 और 8 आपका हो जाएगा कितना, 128 माने 128x/100। इसको काटेंगे 200 है ना, तो हो जाएगा 64x/100। ये क्या हो गया आपका समय। अब यहां पे लास्ट में क्या करना है, पूरी यात्रा की औसत गति। तो गति बराबर औसत गति निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो गति माने चाल, तो चाल बराबर हम ये जानते हैं यहां पे कि चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितना माना था हम लोगों ने, 10x माना था, और ये समय कितना है, तो 64x/100। ये पलट कर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 10x/100 बटे आपका क्या हो जाएगा, 64x। यक्स यक्स से कट जाएगा। अब इसे काट कर आपको छोटा करना है, तो हमने और आपने देखा कि 4 से काटेंगे 25, और 4 से काटेंगे तो 16, तो 25 दहा में 250/16, तो 16 से भाग दीजिएगा तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे हम लोग भाग दे के देखते हैं। तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, यहाँ पर हो जाएगा 25 है, तो ये 5 बचा 4 9, 90 हो जाएगा, फिर तो 16 बचे 80, 10 बचेगा, फिर 16 8 96, फिर 16 छक्का 96, मतलब यहाँ पे 16 5 80 होगा ना, यहाँ पे 5 होगा ना, 1 मिनट, 16 5 80 हो गया, तो 15.625 किलोमीटर प्रति हवा। मान इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका डी होगा। क्या निकला हमारा, 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए हम एक बार इसको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा, उम्मीद करते हैं इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। एक कार ए और बी की दूरी ए का 1/5 भाग है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है। माना कुल दूरी 10x थी, कितनी थी, 10x थी। तो पहला 1/5 था, तो 1/10x में 1/5 से गुणा कर दिया, पहली दूरी निकल गई 2x। दूसरी जो थी माने आप उसके बाद की जो दूरी थी 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा, माने 1/10 भाग को 10x से गुणा करेंगे तो x आ गया। अब दोनों को जोड़कर कुल दूरी में से घटा देंगे तो हमें तीसरी दूरी निकल जाएगी, फर्स्ट दूरी, सेकंड दूरी, और ये हो गई आपकी थर्ड दूरी। तीन दूरियां निकल गई। अब हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल। पहली दूरी 2x किस चाल से चलता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा/8, फिर दूसरी दूरी x बटे 25 माने 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तीसरी दूरी 7x/20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इन दोनों को जोड़ दिया, पूरा निकल गया समय हमारा, ये निकल गया 64x/100।
अब हमें कुल जानते हैं, कुल चाल निकालना है, चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी 10x हो गया और ये 100 बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 10x गुणे 100 बटे 64 काट देंगे तो 15.625 किलोमीटर प्रति हावर्स इस प्रश्न का उत्तर आएगा, जिसका विकल्प बी होगा। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या कोई ऐसा भी डाउट है जो अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि ए और बी एक ही समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं, यदि यात्रा पूरी करने में ए और बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। एकदम सिंपल सवाल था, हमें जानते हैं कुल दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या होगा, आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि इसी तरह का सवाल हम लोगों ने लगाया है। यहाँ पे क्या था कि एक आदमी कुछ दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की और कुछ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। सेम प्रक्रिया हम लोगों ने लगाया कि पहले हमने x बटे 4 कर दिया, मैंने हम लोगों ने समय निकाला, तो समय बराबर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे समय, तो समय बराबर क्या होगा, हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे 4। अब यहाँ पे दूरी नहीं पता है तो माना यहाँ पे दूरी जो है वो क्या हो गई, x किलोमीटर हो गई। ठीक, तो पहली दूरी क्या है 40, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बटे 40 अंतर का चिन्ह लगाएंगे, फिर 50 x बटे 50। कुल समय ये किमी में प्रति घंटा में है और ये आपका क्या है 15 मिनट है, इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे 15 बटे 60 कर देंगे, तो ये बदल जाएगा घंटे में। इसी को हल करते हैं, ये जब इसको हल करेंगे तब आंसर तक पहुंचेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे हो जाएगा ये 40 और 50 है तो यहाँ पर हो जाएगा 200 इसका एलसीएम हो जाएगा और ये 15 से काट देंगे, 15 का 15 15 चौका 4 बटे 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 50x माइनस 40x बराबर 1/4। तो अब हमने देखा इसको, इतने को जब इतने को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बटे 200 बराबर 1/4। ये देखिए लड्डू से लड्डू कट जाएगा, और अगर आप चाहें अगर हर हर में कट जाता है, अंश से कट जाता है, 4 से काटेंगे 4 × 5 = 20 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग, चलिए आइए हम इसको ध्यान से देखते हैं। अब यहां पर हो गया ये 50x है और ये 40x है, तो 50x में से 40x जाएगा 10x बटे 200 हो जाएगा। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यह लड्डू इस लड्डू से कट जाएगा, अब त्रिज्या का गुणा करेंगे, जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो हमने देखा कि 4x बराबर 20, तो x बराबर 20 बटे 4 बराबर 5, माने x बराबर 5 किलोमीटर है, तो यात्रा की जो कुल दूरी है वो 5 किलोमीटर है। आइए ध्यान से देखते हैं एक बार कि क्या यात्रा की दूरी कुल 5 किलोमीटर है, 50 होना चाहिए। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे हम लोगों ने गलती क्या किया है, ध्यान से देख लेते हैं, हमने गलती ये किया है, यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 40x 50x नहीं आएगा ना, यहाँ पे आएगा 4x और 5x, तभी तो आंसर नहीं आ रहा था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अभी क्या होगा, यहाँ इसका एलसीएम 200 होगा, तो ये 4 × 20 हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x बराबर 1/4। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हर हर से कट सकता है, ऐसे भी काट सकते हैं 4 × 1 = 4, 4 से काटेंगे 200 ऐसे भी, या ऐसे हो सकता है इसको हम निकाल सकते हैं x बटे 200 बराबर 1/4। अब त्रिज्या का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 200 x बराबर 50 किलोमीटर। दूसरा तरीका यहाँ पे है, हर हर से कट जाएगा, जैसे यहीं पे था हर हर से काटेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20 50, त्रिज्या का गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 50। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 50 किलोमीटर, माने b का मान 50 किलोमीटर होगा। अब हम इसी के साथ एक और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि एक ट्रक पहले 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में
ट्रक को कितना समय लगेगा? एकदम आसान प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब पूरी तरह से दे लेंगे, थोड़ी सी मेहनत करना है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। एक से एक बटे दो घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ध्यान दीजिएगा, पहली चाल क्या होगी? पहला जो समय है दो एक का दो एक तीन बटे दो घंटा, तीन बटे दो घंटा किसके रफ्तार चलता है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलता है। तो पहली दूरी हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ देखिए, इसको गुणा कर दिया हमने, दो से काटेंगे तो 45 गुणा तीन तो 135 किलोमीटर। माने वो 90 किलोमीटर की दर से कितना जा चुका है? वह 135 किलोमीटर जा चुका है। अब उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? अब हमें यह निकालना है, कुल दूरी कितनी थी 310, कितना उसने तय कर लिया है 135, अभी उसे कितनी दूरी और तय करनी है? तो जरा आप लोग बताइएगा, तो कैसे निकलेगा 175 किलोमीटर की दूरी उसे भी तय करनी है। यही होगा ना, 10 में से 5 गया 5, यहां बचेगा 10 में से 3 गया 7, 2 में से 11। यहां तक समझ में आ गया सब? 5 5 10 7 3 10 11 1 2 3। अब हमें इतनी दूरी तय करनी है, अब क्या लगे समय? तो हमें जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या होगी 175, समय क्या है, चाल क्या है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा, भाग दीजिएगा कि 5 से पहले भाग देते हैं, छोटा कर लें, ऐसे 70 से डायरेक्ट भाग दे लिया जाए। अच्छा, ऐसे भाग देते हैं, 5 से भाग देंगे तो 5 का 5, 5 चौके 20, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 5 25, 7 2 14, 7 5 35, 5 बटे 2, 5 बटे 2 मतलब इसे लगेगा 2 सही 1 बटा 2 घंटे का समय। मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 2 सही 1 बटा 2 घंटा, मतलब यहाँ पर क्या होगा 2 सही 1 बटा 2 घंटा। माने यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 2.5 घंटा। यूँ कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 2.5 घंटा होगा। ध्यान समझिएगा कि जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये इसे समझने का प्रयास करें। एक ट्रक 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गति से वो चलता है, ठीक है। माने 1.5 घंटे में 135 किलोमीटर यात्रा कर लिया, उसे जाना है 310 किलोमीटर, अभी कितना बचा 175 किलोमीटर, चाल क्या है 70, तो 70 से भाग दे देंगे 175 में, समय आ जाएगा 2.5 घंटा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, ध्यान से देखिएगा, एक जीप कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किलोमीटर प्रति घंटा आगे है, उसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? यह सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, सभी लोग। और आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे, जहाँ पर सभी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित मिल जाएंगे। ऑनलाइन क्लास या नोट्स संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर आप सभी को नोट्स क्लास संबंधी जानकारी मिल जाएगी। ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से लाइव चलती है। इस प्रश्न को हल करिएगा और हम ये प्रयास करेंगे कि इस तरह के सवाल को हम आपको आसानी से बता दें, ताकि बिना पेन उठाए आप ऐसे प्रश्नों को कर सकें। बताइए सभी लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप ट्राई करिए, कोशिश करिए, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगता है तो हम इस तरह के सवाल को जरूर बताने का प्रयास करेंगे। बताइए सभी लोग, एक जीप कार का पीछा कर रही, माने दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, ये पहला जीप है और दूसरा कार है। जीप की जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जीप कार को कितने, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, तो बताइए कैसे करेंगे? इस सवाल को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। सभी लोग दिमाग लगाइए, मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं इसको भी बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। सापेक्ष चाल है और ये कई दिशा में, बताइए जल्दी से। आइए ध्यान से इसको देखते हैं, ये कैसे हल होगा। एकदम आसान तरीका है इसको हल करने का। पहले तो हमें क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या होता है,
दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल है, एक ही दिशा में जा रही है, इनके बीच का डिफरेंस सापेक्ष चाल क्या होगा इसका, इसका सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं हम लोग पहले। एक ही दिशा में जा रहे हैं सापेक्ष चाल, तो क्या करेंगे 90 माइनस 75 तो क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति हावर इसका चाल हो जाएगा। अब दूरी कितनी है 5, तो हम क्या करेंगे 5/15, 5 × 5 = 15 माने 1/3 घंटा लगेगा। ऐसा कोई विकल्प नहीं है, इसको मिनट बदलते हैं क्योंकि यहाँ पे मिनट पूछा है। तो 1/3 × 60 करेंगे, 3 से 60 काटेंगे 20, तो 20 मिनट का समय लगेगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका सी होगा। तो मतलब इस तरह के जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में आते हैं और क्रमवार रूप से एक एक करके प्रश्न दर प्रश्न आपको आगे बढ़ना है। इसी के बाद फिर हम मिलते हैं इसके अगले सीरीज में, गणित के अगले सीरीज में हम ये कोशिश करेंगे कुछ देर के बाद कि हम एक एक टाइप का सवाल एक एक बार में लेकर आएं ताकि आपको लगाने में समझने में आसान हो। एक ही दिशा में चल रही, जब दोनों एक जैसे यही है, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, एक घंटे के बीच में दोनों में क्या होगा, ये 90 है ये 75 है, तो 15 किलोमीटर का अंतर आएगा और दूरी कितना है 5 किलोमीटर, तो 5/15 कर देंगे और 1/3 घंटा अर्थात 20 मिनट का समय होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तब ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्लास ही निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए, देश हित में राष्ट्र हित में। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही e-learning with दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे e-learning with दुर्गेश से मिल जाएगी और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367, 7355179012। सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं?